हेलो एवरीवन, आप इस वीडियो में जानेंगे कि फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए आपको कौन से ओपन सोर्स लाइसेंस का यूज करना होता है. ओके, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड एज फोर्स. ठीक है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को फोर्स भी कहा जाता है. ये वो सॉफ्टवेयर है जो फ्रीली अवेलेबल है, जिसके लिए आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करना पड़ता, राइट, जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता. एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिनका सोर्स कोड पब्लिक के लिए अवेलेबल है, जिससे कि पब्लिक सोर्स कोड में अपने अकॉर्डिंग कोई भी चेंज कर सकती है. ओके, तो यहाँ पे डेफिनेशन आप देखेंगे, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज बोथ फ्री, जो फ्री है, एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वेयर एनीवन इज फ्रीली लाइसेंस्ड टू यूज, कॉपी, स्टडी एंड चेंज द सॉफ्टवेयर. तो इसको कोई भी यूज कर सकता है, कॉपी कर सकता है, स्टडी कर सकता है, सॉफ्टवेयर को चेंज कर सकता है इन एनी वे, किसी भी तरह, राइट. एंड द सोर्स कोड इज ओपनली शेयर सो दैट पीपल आर एनकरेज टू वॉलंटरली इम्प्रूव द डिजाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर. फोर्स सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड अवेलेबल होता है पब्लिक के लिए, जिससे पब्लिक उसके डिजाइन में कोई भी इम्प्रूवमेंट कर सके. ओके, यहाँ पे ये पब्लिक को मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं कि वो अपने क्रिएटिविटी को सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड में अप्लाई करें, राइट, और जो भी चेंज चाहते हैं डिजाइन में वो करें, राइट. दिस इज इन द कंट्रास्ट टू द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, विद द सॉफ्टवेयर इज अंडर द रेस्ट्रिक्टिव कॉपीराइट लाइसेंसिंग. फोर्स सॉफ्टवेयर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का अपोजिट होता है. प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो रेस्ट्रिक्टिव, मतलब उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन होती है. आपको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए कॉपीराइट लाइसेंस लेना होता है एंड द सोर्स कोड इज यूजली हिडन फ्रॉम द यूजर्स. एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड यूजर्स के लिए अवेलेबल नहीं होता, वो यूजर्स से हिडन होता है, राइट. यूजर्स उसको यूज नहीं कर सकते हैं. प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में कोई भी चेंज यूजर नहीं कर सकता, राइट. फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैज अ लार्ज कम्युनिटी ऑफ यूजर्स एंड डेवलपर्स हु आर कंट्रीब्यूटिंग कंटीन्यूअसली टुवर्ड्स एडिंग न्यू फीचर्स और इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग फीचर्स. तो जो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है उसकी लार्ज कम्युनिटी है, यूजर की एंड डेवलपर्स की, जो कंटीन्यूअसली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें न्यू फीचर्स ऐड करने के लिए. ओके, जो और उसके जो एग्जिस्टिंग फीचर्स है उसमें इंप्रूवमेंट लाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, लिनक्स कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक Ubuntu and Fedora come under the force. तो यहाँ पे बता दे, example दिया गया है free and open source software का. आपके पास Ubuntu है, okay, ये क्या है आपका, ये आपका operating system है, Fedora है, और ये आपको freely available होता है, fine. जैसे आपने देखा होगा schools में extra mass classes होती है, तो उसके अंदर operating system mostly Ubuntu होता है. क्यों? क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल है, इसलिए कोई भी अमाउंट पे नहीं करना पड़ रहा है, राइट. सम ऑफ द पॉपुलर फोर्स टूल्स आर ऑफिस पैकेजेस लाइक लिब्रे ऑफिस. लिब्रे ऑफिस आपका फ्री होता है, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं करना पड़ता है. ब्राउजर लाइक मोजिला फायरफॉक्स. मोजिला फायरफॉक्स के लिए भी आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करना पड़ता है, राइट. ओके, तो ये क्या है, आपके फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, राइट. Now we have software licensing. Open source software को भी use करने के लिए आपको software license लेना पड़ता है, right? When authors share their copyrighted work with others under public license, जब author अपने copyrighted work को share करते हैं public के साथ public license के अंदर, ठीक है, it allows others to use and even modify the content. तो दूसरे लोग उनके content को use भी कर सकते हैं, modify भी कर सकते हैं, okay? License provide rules and guidelines for others to use the existing work. License किस लिए दिया जाता है? License कुछ rules and guidelines को बताता है जो users को follow करने होते हैं जब वो उस particular copyrighted software को या copyrighted work को use करता है, right? वो किसी और का work है, okay? Users किसी और के work को use कर रहे हैं, वो किसी और की creativity को use कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनको उस particular work को use करने के लिए कुछ rules and guidelines को follow करना होता है जो license बताता है, ओके. ओपन सोर्स लाइसेंसेस हेल्प अदर्स टू कंट्रीब्यूट टू एग्जिस्टिंग वर्क एंड प्रोजेक्ट. ओपन सोर्स लाइसेंस दूसरे लोगों की हेल्प करते हैं कि वो ऑलरेडी जो वर्क हुआ है या सॉफ्टवेयर अवेलेबल है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सके विदाउट सीकिंग स्पेशल इंडिविजुअल परमिशन टू डू सो. और ऐसा करने के लिए यूजर्स को या डेवलपर्स को स्पेशल परमिशन ना लेनी पड़े किसी से, ओके. अगर उनको ओपन सोर्स लाइसेंस मिल गया है तो वो इजिली किसी भी
अबे जो उनको वर्क दिया गया है, एग्जिस्टिंग ऑलरेडी क्रिएटेड वर्क दिया गया है, ऑलरेडी क्रिएटेड सॉफ्टवेयर दिया गया है, वो इसमें इजिली अपनी क्रिएटिविटी शो कर सके, ओके, अपना खुद का चेंजेस, अपने खुद के अमेंडमेंट्स ला सके, ओके. सम ब्रॉडली यूज्ड ओपन सोर्स लाइसेंसेस आर, तो यहां पे कुछ ओपन सोर्स लाइसेंस दिए गए हैं, क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस. सेकेंड इज जनरल पब्लिक लाइसेंस एंड थर्ड इज अपाची लाइसेंस. ओके, फर्स्ट वी हैव क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस. इट हैज़ फोर बेसिक पार्ट्स, राइट? तो इसके फोर बेसिक पार्ट्स को फॉलो करना होता है. फर्स्ट वी हैव एक्रेडिटेशन. एक्रेडिटेशन क्या होता है? जब किसी को ऑफिशियली रिकग्नाइज किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है या अप्रूव किया जाता है, ओके. ऑथर मस्ट बी एक्नॉलेज्ड एज द क्रिएटर ऑफ द वर्क. आप अगर आप किसी का वर्क यूज कर रहे हो अंडर द क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस, तो आपको यहाँ पे उस पर्टिकुलर ऑथर को एक्नॉलेजमेंट देना पड़ता है. आपको बताना होता है कि आप किसका वर्क यूज कर रहे हैं, ओके. द वर्क कैन देन बी मॉडिफाइड. ये बताने के बाद आप उस वर्क को मॉडिफाई भी कर सकते हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, और लोगों में उसकी कॉपीज भी बना सकते हो, और उसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो, फाइन. लेकिन यहाँ पे आपको क्रेडिट देना होगा उसके रियल ऑनर को, उसके रियल ऑथर को, फाइन. सेकंड क्या है? शेयर्ड विद सीसी. द वर्क कैन बी मॉडिफाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड. आप उस वर्क को मॉडिफाई भी कर सकते हो और डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, बट ओनली अंडर द सीसी लाइसेंस. लेकिन आप उसको करते वक्त, मान लो आप उसको मॉडिफाई कर रहे हो, राइट, या फिर और दूसरे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो अगर आप दूसरे लोगों में भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो आप किस लाइसेंस के साथ उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे? क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के साथ उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जिससे कि जो दूसरे लोग हैं जो आपसे वो सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, वो भी उसको अंडर द क्रिएटिव कॉमन गाइडलाइंस के तहत उसको यूज करें, ठीक है, ओके. नॉन कमर्शियल. वर्क कैन बी मॉडिफाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड. आप वर्क को मॉडिफाई भी कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, बट नॉट फॉर द कमर्शियल पर्पस. लेकिन कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं, बिजनेस के लिए नहीं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए नहीं, राइट, ओके. तो यहाँ पे नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए आप उसको मॉडिफाई और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बट कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं, ओके. नो डेरिवेटिव वर्क. अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने ओरिजिनल वर्क में थोड़े से चेंजेस करके एक दूसरा डेरिवेटिव क्रिएट कर दिया, ओके. यू कैन कॉपी एंड डिस्ट्रीब्यूट द लाइसेंस वर्क. आप कॉपी भी कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो लाइसेंस वर्क को, बट यू कांट मॉडिफाई इट इन एनी वे और क्रिएट वर्क बेस्ड ऑन द ओरिजिन. तो आप इसको मॉडिफाई करके इसका डेरिवेटिव नहीं क्रिएट कर सकते, ओके. और आप इसको थोड़ा सा, मतलब इससे आप न्यू वर्क ओरिजिन नहीं कर सकते. मान लो सॉफ्टवेयर है, उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया आपने और एक न्यू सॉफ्टवेयर बना लिया और उसको अपना नाम दे दिया, तो यहां पे ये क्या है? ये क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस का उल्लंघन है, ओके. यहां पे आप चीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपने किसी के ओरिजिनल वर्क के अंदर हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन करके अपना खुद का वर्क क्रिएट कर लिया और आप उसको अपने नाम से प्रेजेंट कर रहे हैं, फाइन, ओके. नेक्स्ट इज जर्नल पब्लिक लाइसेंस, GPL. इट हैज़ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स. कॉपिंग द सॉफ्टवेयर. देयर इज नो लिमिट टू कॉपिंग द कोड. जब आप जर्नल पब्लिक लाइसेंस लेते हैं, तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर के कोड को कितने बार भी कॉपी कर सकते हैं. उस कॉपी करने के लिए कोई भी लिमिट नहीं है. यू कैन कॉपी इट ऑन योर ओन सर्वर. आप सोर्स कोड को, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को के सोर्स कोड को अपने सर्वर पे कॉपी कर सकते हैं, अपने लोकल वर्क स्टेशंस पे आप उसको कॉपी कर सकते हैं, एनीवेयर आप कहीं पर भी उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं उसके सोर्स कोड को, एंड एज मैनी टाइम्स एज यू वॉन्ट. आप उसको कितनी भी बार कॉपी कर सकते हो, किसी भी सिस्टम पर, किसी भी जगह, ओके. डिस्ट्रीब्यूशन. यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इट इन योर थंब और हार्ड ड्राइव. आप उस सोर्स कोड को, अगर आपने सॉफ्टवेयर लिया है अंडर द GPL लाइसेंस, तो आप उसको कहीं पर भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. आप हार्ड ड्राइव की हेल्प से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, पेन ड्राइव की हेल्प से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द कोड अंडर दिस लाइसेंस विद अ डाउनलोड लिंक. आप डाउनलोड लिंक की हेल्प से भी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ऑन योर वेबसाइट. वेबसाइट पर भी आप इसको लोगों के लिए अवेलेबल करा सकते हो, जिससे वो इसको यूटिलाइज कर सकें, ओके. और यू कैन प्रिंट द कोड ऑन द पेपर. आप कोड को प्रिंट भी कर सकते हो पेपर पे. इनफैक्ट वट एवर फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यू प्रेफर. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल है, आप उसको कैसे भी यूटिलाइज कर सकते हो अपने लिए, या आप उसको लोगों में बांट सकते हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ओके.
चार्ज अ फी, यू कैन चार्ज समवन फॉर द सॉफ्टवेयर, आप सॉफ्टवेयर के लिए किसी से पैसे भी मांग सकते हो, फी भी मांग सकते हो, बट रिमेंबर टू गिव देम अ कॉपी ऑफ जीपीएल लाइसेंस। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि अगर आप लोगों को ये सेल आउट भी कर रहे हो तब भी आप लोगों को जीपीएल लाइसेंस की कॉपी दोगे, विच वुड टेल देम दैट दे कुड गेट द सॉफ्टवेयर फ्री फ्रॉम एल्सवेयर, जिससे उन लोगों को पता चले कि ये सॉफ्टवेयर उन्हें कहीं और से फ्री में मिल सकता है, क्योंकि ये क्या है, फ्री सॉफ्टवेयर है। ओके, दिस ऑल्सो गिव यू अ चांस टू टेल देम वाई यू आर चार्जिंग फॉर इट। ओके, और आप लोगों को ये भी बता सकते हो कि आप इसके लिए क्यों चार्ज कर रहे हो। देखो ये सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्लीटली फ्री है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसके लिए कुछ फीस चार्ज कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये लोगों को दे रहे हो, ये लोगों को बेच रहे हो, तो आपको ये बताना होगा कि एक फ्री सॉफ्टवेयर है, ये अंडर द जीपीएल लाइसेंस है, बट आप क्यों चार्ज कर रहे हो, ये रीजन आपको खुद देना होगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव अपाची लाइसेंस। ओके, इट ऑफर्स द फॉलोइंग सेलेंट फीचर्स। तो अपाची लाइसेंस अगर सॉफ्टवेयर के साथ आप लेते हैं तो कौन से फीचर्स आपको मिलेंगे, राइट्स आर नेवर एंडिंग, वंस द राइट्स अंडर अपाची लाइसेंस हैव बीन ग्रांटेड यू कैन कंटिन्यू टू यूज देम फॉर एवर। एक बार आपको अपाची लाइसेंस के राइट्स मिल गए, ठीक है, तो आप इसको हमेशा यूज करेंगे थ्रू आउट योर लाइफ, देयर इज नो नीड टू रिन्यू देम, इनको रिन्यू नहीं करना पड़ता, अपाची लाइसेंस को आपको रिन्यू नहीं कराना पड़ेगा। ओके, वर्ल्ड वाइड अथॉरिटी ऑफ राइट्स, इवन इफ राइट्स आर ग्रांटेड टू वन कंट्री, अगर अपाची लाइसेंस आपको एक कंट्री में दिया गया है, ऑटोमेटिकली दे आर कंसीडर्ड एज ग्रांटेड टू ऑल कंट्रीज, तो ये आप किसी भी कंट्री में जाके इसको यूज कर सकते हैं। ओके, इसका राइट दुनिया के सारी कंट्रीज में कंसीडर किया जाता है। ओके, राइट्स फॉर नो फी और रॉयल्टी, एनी चार्ज नाइदर अपफ्रंट नॉर पर यूसेज और एनी अदर बेसिस इज एप्लीकेबल। आपको अपाची सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए कोई भी चार्ज नहीं देना है। ओके, नाइदर अपफ्रंट, अपफ्रंट क्या होता है, पेड इन एडवांस। ओके, ना तो आपको एडवांस में देना है, ना ही पर यूसेज देना है, किसी भी तरह का आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। तो अगर अपाची लाइसेंस आपको मिला है तो आप इसको थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। ओके, राइट, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, ना ही आपको इसको रिन्यू कराना पड़ता है। ओके ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।